स्वाध्याय शिविर की बहनों का प्रश्न है कि स्वाध्याय सही अर्थों में क्या है और हम स्वाध्याय को कैसे करें। स्वाध्याय शब्द दो शब्दों का जोड़ है, स्व प्लस अध्याय। स्व खुद को, अध्याय जानना, खुद का अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी स्वाध्याय है। अब ये स्वाध्याय कैसे होता है, तो यहाँ हम दो अपेक्षाओं से स्वाध्याय को समझेंगे। पहली अपेक्षा है पुस्तकों को पढ़ना, क्योंकि ये सर्व प्रचलित अर्थ है। स्वाध्याय के नाम पर सभी धर्मों में, मुख्यतया जैन धर्म में, शास्त्र अध्ययन होता है, पुस्तक अध्ययन होता है, सूत्रों का अध्ययन होता है, गुरु की वाणी का अध्ययन होता है। और गुरु की वाणी का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है, क्योंकि गुरु की वाणी से ही खुद को जानने की दृष्टि मिलती है। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, क्योंकि प्रवचन सुनने से हम अपने आप को साथ ही साथ देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। पुस्तकों को पढ़ना, गुरु की वाणी को सुनना, वो स्वाध्याय हुआ, लेकिन पुस्तकें कौन सी पढ़ना और कैसी पढ़ना, इसको जानना भी जरूरी है। पुस्तकें भी कई प्रकार की होती है। कुछ पुस्तकें सांसारिक विषयों को लेकर होती है, जैसे पाक कला शास्त्र, भोजन कैसे बनाना, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, उन सबको जानना स्वाध्याय नहीं है, क्योंकि वो सब भौतिक विषयों से संबंधित है, लौकिक शिक्षा है। लौकिक शिक्षा की पुस्तकें हमने स्कूल कॉलेजेस में आदि में पढ़ी है, लेकिन उसको हमने स्वाध्याय नहीं कहा, क्योंकि उसको पढ़ते समय दुनिया के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन खुद को जानने के लिए कोई तथ्यात्मक सूचनाएं नहीं मिलती। इसलिए हम उन सूत्रों को पढ़ना स्वाध्याय मानते हैं, जिन सूत्रों को पढ़ के हमें जीवन की समझ आती है, अपने आप की समझ आती है, इस जीवन को कैसे जीना यह समझ आती है, अपने मन को कैसे संभालना यह समझ आती है। आजकल कई सारे ऐसे राइटर्स हैं जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कैसे मन को चलाना, सकारात्मक कैसे सोचना, अपनी वाणी को कैसे शुद्ध बनाना, अपने भावनाओं से अपनी सृष्टि की रचना कैसे करनी, इस तरह की किताबें लिखी है। वे किताबें हमें अपने आप को जानने में मदद करती है। तो जो किताबें हमें खुद को जानने में मदद करें, मुख्यतया उन किताबों को पढ़ना स्वाध्याय है, क्योंकि उन किताबों से हमें तथ्यात्मक सूचनाएं मिलेगी, फैक्ट का नॉलेज मिलेगा। और बिना फैक्ट को जाने, बिना तथ्यों को जाने, हम खुद को भी कैसे जान पाएंगे। तो पहले तथ्यों को तो जानना पड़ेगा, जैसे नव तत्वों को जानना। अब नव तत्वों को जानना तथ्यात्मक ज्ञान है, क्योंकि ये जीवन का फैक्ट है कि जीवन गति ही इस तरह से करता है, जीव अजीव मिलकर के गति करते हैं। इन गति से अनेकों तरह की स्थितियां पैदा होती है। उन स्थितियों को हम कैसे कैसे समझें, तो कहा आश्रव संवर के रूप में समझो, बंद निर्जरा के रूप में समझो, और जीव का परमिष्ठ मुक्ति को समझो। तो ये नव तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना स्वाध्याय की श्रेणी में आता है। इसी तरह से हम कौन सी गति में हैं, संसार में इतने सारे जीव है, सबकी गतियां क्या है, सबकी स्थितियां क्या है, और इन सबकी गति और स्थिति को समझ करके हमें कौन सी गति अपनी बनानी, हम इस समय कौन सी गति में है, यह जानना स्वाध्याय है। पर जनरली क्या होता है कि कई लोग जीवादि तत्वों को जानने और शब्दों में रट लेने मात्र को स्वाध्याय मान लेते, लेकिन उनको रटना स्वाध्याय नहीं है, उनको जान करके खुद को जानना स्वाध्याय है। मतलब जैसे हम खाना पकाते हैं तो सामान तो सब बाहर से लेते हैं, और खाना पका करके उसको थाली में रखते हैं, तब अपना हाथ थाली तक जाता है, लेकिन वो हाथ थाली तक इसलिए जा रहा है कि वो हाथ में आया हुआ कौर मुंह में आ सके और अपना पेट भर सके। ऐसे ही दुनिया भर से जो भी ज्ञान अपनी थाली में लिया, यानी बुद्धि में भरा, उस सारे बुद्धि में भरे हुए ज्ञान को अपने ऊपर लागू करना और अपने मन को शुद्ध बनाना, अपनी वाणी अपनी तन को शुद्ध करना, अपने भीतर के असंयम को जान करके उससे हट जाना, तो स्वाध्याय हुआ। तो स्वाध्याय क्या हुआ, खुद पर अप्लाई किया तो स्वाध्याय हुआ। इस स्वाध्याय के संबंध में सूत्रों में 5 प्रकार के भेद मिलते हैं। पहला भेद है वाचना। वाचना का मतलब सिंपल अर्थ है पढ़ना।
एक तो अर्थ हुआ पढ़ना, लेकिन आप जरा सोचो कि वो जमाना जब किताबें लिखी ही नहीं जाती थी तब वाचना का क्या अर्थ होता था? तो वाचना का अर्थ पढ़ना नहीं था, तो वाचना का अर्थ था देखना और सुनना, वॉच। आज इंग्लिश में वर्ड है वॉच, देखना। अगर आप सामने आ रही हर घटना को, हर निमित्त को निष्पक्ष होके देख सकते हो तो स्वाध्याय। निष्पक्ष होके हर घटना को देखना, जैसे कि दो लोग आपके सामने लड़ रहे हैं, जनरली हम क्या करेंगे, शरीक हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे उस घटना में, खुद भी कोई ना कोई हिस्सा ले लेंगे। लेकिन स्वाध्याय क्या है? उस घटना को मात्र देखना, वॉच करना। और तब समझ आएगा कि लोग क्यों लड़ते हैं। मेरे भीतर भी अगर कभी लड़ाई पैदा होती तो क्यों पैदा होती, ये देखना मात्र। अब देखो कितने ऐसे राजा महाराजा भी हुए जिन्होंने घटनाओं को देखा और बोधि प्राप्त कर ली। हमने उनको प्रत्येक बुद्ध की श्रेणी में भी रखा है, जिन्होंने घटनाओं को देखा और बोधि प्राप्त कर ली। वाचना स्वाध्याय का पहला वेद। दूसरा है वाचना के बाद पृच्छना। पृच्छना का मतलब है पूछना, किससे पूछना। जरूरी नहीं है कि सामने कोई गुरु हो तो उसी से पूछेंगे, क्योंकि जीवन के हर पड़ाव पे सामने हमारे मार्गदर्शक नहीं होता। लेकिन पूछो किससे, हर घटना के आने पर, हर निमित्त के आने पर खुद से सवाल करो, खुद में ही सवाल उठाओ, ऐसा क्यों। अब आप स्वाध्याय कर रहे हो यानी खुद को जान रहे हो ना, जब खुद को जान रहे हो तो खुद से सवाल करो, मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं क्यों नाराज हो जाती हूं, मैं क्यों अपनी बातों को छोड़ नहीं पाती, अपनी आदतों को बदल नहीं पाती, वो कौन है जो मुझे इस पल हर पल प्रसन्न होने से रोक रहा है, वो क्या है, क्या कारण है मेरा जो मैं इस क्षण आनंदित नहीं हूं, खुद से सवाल कर, क्या हूं मैं, क्यों हूं मैं, ऐसी ही बनावट क्यों है मेरी, किसने डिसाइड किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो, सवाल उठाओ। क्योंकि सवाल उठाओगे तो जवाब ढूंढोगे, जवाब ढूंढोगे तो ज्ञानावरण्य कर्म का आवरण दूर होने लगेगा, भीतर से ज्ञान प्रकट होगा और समझ आएगा अच्छा मेरी बनावट के पीछे बहुत सारे निमित्त तो रहे लेकिन मेरा अपना चुनाव रहा उन निमित्तों को चुनने का, तो फिर मैं अपने चुनाव को बदल नहीं सकता क्या, तो जवाब मिलेगा हाँ मैं बदल तो सकता हूं। इस तरह से देखो सवाल उठाना सीखो खुद के भीतर। हाँ अगर किसी अन्य से कुछ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, सुन रहे हो, वहां भी सवाल उठाओ। आज स्कूलों में सिखाया जाता है टू लर्न इज टू क्वेश्चन, अगर सीखना है तो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे और फिर जो सीखोगे वो स्मार्ट लर्निंग होगी, और बिना क्वेश्चन किए तुम्हें जो सिखाया जाएगा वो रटना वाली लर्निंग होगी, रट लो बस, तो अपनी बुद्धि कहाँ जगेगी उसमें। इसलिए टू लर्न इज टू क्वेश्चन, सवाल करो, पृच्छना, पृच्छना करना स्वाध्याय है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो सिखाया गया कि महाराज साहब जो कहते हैं चुपचाप मान लो, सवाल ही मत उठाओ, पूछोगे तो तुम्हें शंका नाम का दूषण लग जाएगा, सम्यक्त्व भंग हो जाएगा, ऐसे ही है ना, शंका करनी नहीं, संदेह करना ही नहीं, जो बताया जा रहा है चुपचाप मान लो। पुरानी पीढ़ी को यही सिखाया गया, इवन देन जब हम बच्चे थे हमें भी यही सिखाया गया था कि सवाल मत उठाओ साधु संतों के बीच में, पूछो मत। फिर एक दिन सवाल उठा कि अगर इंद्रभूति गौतम नहीं पूछते तो भगवान महावीर उत्तर नहीं देते, और भगवान महावीर उत्तर नहीं देते तो इतने सारे सूत्रों की रचना कहां से होती, इसका मतलब पूछने की मनाही तो नहीं है। और इंद्रभूति गौतम कहते हैं उनको 3 पदों से 14 पूर्वों का ज्ञान प्रकट हो गया, जो इतना शॉर्ट में सब कुछ समझ जाते हैं उनको इतने सवाल करने की क्या जरूरत पड़े। और फिर जिनको खुद को अवधि ज्ञान था, मनपरिव ज्ञान था, वो भी भगवान महावीर के समक्ष बैठे हुए लगातार प्रश्न करते, कोई आता है वंदन दर्शन करके चला जाता है तो इंद्रभूति गौतम के मन में जिज्ञासा उठती है इतना सुंदर क्यों दिख रहा है। सुभाव कुमार के संबंध में वर्णन आता है, उन्होंने सवाल किया भगवान से, भगवान इसने ऐसे क्या पुण्य कर्म किए,
कितना सुंदर लग रहा है ये देवता। तो भगवान कहते हैं भैया इसने पूर्व जन्मों के अंदर एक साधु महात्मा को प्रसन्न भाव से आहार बहराया। उस दान देते समय उसके भीतर की जो प्रसन्नता थी, उस प्रसन्नता ने इतना पुण्य करवा दिया कि आज वो देवलोकों के सुख भोग रहा है। अब देखो, सवाल नहीं करते तो जवाब आते क्या, जवाब नहीं आते तो सुख विपाक सूत्र बनता क्या, तो फिर हम क्या पढ़ते? तो हमारे भीतर सवाल क्यों नहीं आता? इसीलिए पूछना सीखो। चाहे साधु संतों ने हमें बचपन में सिखाया हो, पूछो मत, शंका लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूछना जिज्ञासा है। शंका और जिज्ञासा में फर्क है। शंका कहते हैं भय से पैदा हुआ, भय से पैदा हुई मनोवृत्ति शंका है। असुरक्षा की व्यग्रता में पैदा हुई मनोवृत्ति शंका है। चिंताजनक भाव शंका है। और सस्पेंस करना, संदेह में घिर जाना, वह शंका है। सवाल का जवाब मिल जाने पर भी, अपना अनुभव भी कह रहा है कि यह यथार्थ है, फिर भी अपने अनुभवों पर भी सवाल उठा लेना, वह शंका है। जैसे कई लोगों को अनुभव हुआ, गुड़ खाया, मीठा अनुभव हुआ, तभी शंका में है, क्या पता मेरी जीभ भी खराब हो। तो कई लोगों को ध्यान आदि में कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन उस पर शंका उठती है, पता नहीं वो अनुभव था या मेरी कल्पना थी, या सही था भी या नहीं था, तो ये शंका है। और जिज्ञासा जानने की इच्छा है। और शंका द्वंद्वात्मक स्थिति है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, अनिश्चयात्मक स्थिति है। और अगर शंका उठी और उसको जिज्ञासा में परिणित कर दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। जिज्ञासा को समाधान तक ले गए, तब तो स्वाध्याय हो गया। लेकिन शंका उठी और शंका परक चित्त में ही पड़े रहे, अब यहां पर जो शंका है अंदर पड़ी रह गई है, वो घुन की तरह काम करेगी। घुन शब्द सुना हमने, जब लकड़ियों में कोई प्रकार के जानवर लग जाते हैं, उनको घुन बोलते हैं। वो घुन क्या करते हैं, अंदर ही अंदर लकड़ी को खोखला कर देते हैं, बाहर से लकड़ी वैसी की वैसी बनी रहती है। तो ऐसे ही जिसके चित्त में शंका है, उसको बाहर से तो दिखेगा वो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर में सब खोखला होना चालू हो जाएगा। तो जिज्ञासा और शंका में फर्क है। तो स्वाध्याय का दूसरा भेद है पृच्छना, पृच्छा करे, वाचना देखना सीखे, सुनना सीखे, यानी आँख और कान सदा खुली रखे। लेकिन जैसे ही आँख और कान खुली रखोगे, बहुत सारे विषय ग्रहण करोगे। जब विषय ग्रहण करोगे तो दिमाग में खुजली मचेगी, और जब दिमाग में खुजली मचेगी तो उस खुजली को मिटाने के लिए सवाल कर लेना, वो हुआ प्रश्न। अब वाचना और प्रश्न होगी तब आपको समाधान मिलेगा। और जब उत्तर मिलेगा तो उत्तर राइट है या नहीं इसका पता कैसे लगेगा? तो तीसरा वेद कहा परावर्तना। तीसरा वेद क्या है? परियटना, परावर्तित करना। परावर्तित करने का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना। जो पढ़ा, जो समझा, वो लाइफ में लागू करो। जब लागू करोगे तो उसको रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। जब रिफ्लेक्ट करोगे तो आंसर मिलेगा कि हाँ ये राइट है। तब लोग क्या करते हैं, इसको परावर्तना कर समझते हैं रट्टा मारना। बार बार घोकते रहो, घोकते रहो, घोकते रहो, रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। अब इससे क्या होगा रट्टा मारने से, जरा सोचो। रट्टा मारने से क्या होगा? शब्दों का संग्रह। और जितना ज्यादा शब्दों का संग्रह होगा, मन भर जाएगा, मन खाली नहीं होगा। मन खाली नहीं होगा तो वर्तमान में हम रह नहीं पाएंगे। वर्तमान में कौन रहता है? जो अपने निष्काम, निष्पक्ष, निरपेक्ष मन से जी रहा है, जिसका मन जानकारियों से, बहुत सारी जानकारियों से भर चुका है। अब वो जब भी कोई बात को सुनेगा तो पिछली जानकारी उसको बीच में आ जाएगी। और यही होता है, हम कुछ भी नई बात सुनते हैं, हम कहते नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं, पहले तो मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था, हमने तो किताबों में ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं था, ये बात ऐसे कैसे हो सकती है? अभी संदेह कौन उठा रहा है? उस वो व्यक्ति संदेह उठा रहा है जिसने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी कर रखी है। अब कितनी भी जानकारी इकट्ठी करो, यहां तो शास्त्र कहते हैं कि एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ हो सकते हैं। अब हमने दो अर्थ सीखे, पांच अर्थ सीखे, दस अर्थ सीखे, और किसी ने ग्यारह अर्थ बता दिया तो हम तो नकार देंगे। और सारे के सारे अर्थ हम रट सके, इतना हमारा बुद्धि का कोष नहीं।
तो यहां परियटना का अर्थ रट्टा मारना नहीं था, परावर्तित होना। और जैसे ही परावर्तित करते हो, जो चीजें सीखी उसको लाइफ में अप्लाई करते हो, अप्लाई करने से वो सूत्र रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी जीवन में प्रकट हो जाते हैं। जैसे स्कूल में सीख करके आए दया, अब दया और करुणा सीख करके आए, और घर में आकर के आपने करुणामय व्यवहार किया, तो आपको समझ में आया कि जिस दिन आपके भीतर से करुणा निकली उस दिन आपको कितना मस्त आया था, आनंद भाव आया था, कैसे हल्कापना फील हुआ था। तो अब आपने स्वाध्याय के द्वारा जान लिया है कि जो करुणा धर्म बताया, जो दया होने से जीवन में पुण्य बताया, वो वाकई है। अभी आपका अनुभव हो गया ना कि वाकई है, तो आपका अनुभव आपका स्वाध्याय है और आपका स्वाध्याय आपका अनुभव है। ऐसा नहीं है स्वाध्याय का मतलब कि खाली ये बुद्धि के कोष को भर देना। बुद्धि का कोष उपयोगी है, लेकिन उसको ज्यादा भर दिया गया है ना, तो ये कभी वर्तमान में जीने में सहयोगी नहीं बनेगा। ज्ञान का अर्थ जानकारियां इकट्ठी करना नहीं है, जैसा कि अब तक हमने माना कि ज्ञान मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को माइंड में सेव कर लो। नहीं, ज्ञान का अर्थ है जानने की क्षमता होना, जानने की क्षमता होना। और आप देखो कई बार ज्यादा शब्द जिसने इकट्ठे कर लिए उसके जानने की क्षमता कम पड़ जाती है, और जानने की क्षमता उसमें खुली होती है जो जिज्ञासा से भरा हो और जो वर्तमान के प्रति सजग हो, अभ्युत्थित हो, अटेंटिव हो। अटेंटिव होने को हमारे यहां पजुवा स्वामी कहते हैं। पजुवा स्वामी का मतलब यह है परिपूर्ण रूप से उपस्थित होना, परिपूर्ण रूप से उपस्थित होना, परिपूर्ण रूप से उपासना करना, अटेंटिव होना। तो जो पजुवा स्वामी कर रहा है वो स्वाध्याय में आ रहा है, क्योंकि पजुवा स्वामी में आप कंप्लीटली अपने आप में उपस्थित हो, उपासना में हो, उपासना खुद के समीप बैठना। तो जब खुद के समीप होसी का तो नाम स्वाध्याय, इसलिए स्वाध्याय के लिए आवश्यक है पजुवा स्वामी होना। ठीक है, स्वाध्याय के लिए आवश्यक है जिज्ञासा का हो, जानने की इच्छा का होना। स्वाध्याय के लिए आवश्यक है अपनी कमियों को दूर करने की इच्छा का होना। स्वाध्याय के लिए आवश्यक है अपने भीतर रूपांतरण करने की इच्छा होना कि मैं जैसा हूं उससे चेंज आए मेरे में, तो स्वाध्याय होता है। नहीं तो लोग किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन जैसा आचरण है वैसा कि वैसा पढ़ा रहता है, चेंज नहीं होता। और तब लोग कहते हैं इतना पढ़ा लिखा, जीवन को तो वहीं के वहीं देखते हैं इनका, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो स्वाध्याय नहीं हुआ। ठीक है, तो वाचना प्रचना परियटना, चौथा है अनुपेहा करना। अनुपेहा करना यानी सूक्ष्मतम अध्ययन कर पाना, सूक्ष्मतम निरीक्षण कर पाना, सूक्ष्मतम प्रेक्षा कर पाना। प्रेक्षा देखने को कहते हैं, ईक्षण देखना, ईक्षा, ईक्षा से बना प्रेक्षा। ईक्षा यानी देखना, ईक्षा से ही आंख भी बना है, आई, ईक्षण, और उसी को ईक्षण में प जुड़ा प्रेक्षा, और प्रेक्षा के ही आगे अनु जुड़ गया, अनु यानी सूक्ष्मतम। तो जैसे जैसे सूक्ष्मतम निरीक्षण जागेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारे भीतर के कर्म संस्कार हटते चले जाएंगे। इसीलिए अनुपेक्षा करने वाला व्यक्ति कितने भी गाढ़ कर्मों को बांध चुका हो उसके गाढ़ कर्म खत्म होने लग जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। कर्मों की स्थिति लंबी भी हो तो छोटी हो जाएगी, कर्मों का रस बहुत गहरा भी हो तो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उसका अध्ययन और निरीक्षण, उसकी दृष्टि सूक्ष्मग्राही हो गई। और तब क्या होगा, उसे अपने भीतर उठ रहा हर विचार नजर आने लगेगा, और उस विचार का परिणाम क्या हो रहा है, उस परिणमन क्या हो रहा है, वो भी उसको दिखलाई पड़ने लगेगा। और तो उसे समझ आएगा कि मेरा प्रत्येक विचार मेरा एक कर्म कर्ण है और मुझे इस विचार के प्रति सावधान रहना है, अन्यथा यही विचार एक आरंभ है और यह आरंभ इस सृष्टि में फैल करके न जाने कितने प्रकार के शोरगुल को पैदा कराएगा। ये भीतर से बोध जागे तो अनुपेहा होगा, अतः व्यक्ति अपनी हर एक घटना में सावधानता बरतेगा, और जैसे उसकी हर एक घटना में सावधानता आ जाएगी ऑटोमेटिकली उसका जीना धर्ममय हो जाएगा, स्वभाव में हो जाएगा, इन ऑर्डर हो जाएगा। धर्म में होने का मतलब इन ऑर्डर होना,
क्योंकि श्रवण महावीर से पूछा गया धर्म की क्या परिभाषा, उन्होंने कहा आणाय मामगम धम्मम, लिव विद इन ऑर्डर इज धर्म, अपनी आत्मा की आज्ञा में जीना, अपने स्वभाव में, अपने क्रम में, अपने स्वरूप में जीना धर्म है। क्रम में यानी स्वरूप में, आत्मा अपने स्वरूप में है तो वह धर्म में है। आणाय मामगम धम्मम, आणाय आज्ञा में, इन ऑर्डर यानी क्रम में, क्रम में यानी स्वरूप में, मामगम यानी मेरा, अस्माकम अपने आप के, धम्मम धर्म क्या है, अपनी आज्ञा में जियो, अपनी बोधि में जियो। और अब तक हमने धर्म समझा किसी और की आज्ञा में जीना, और तब क्या हुआ, जिंदगी के 50 पड़ावों में 50 तरह के साधु संत मिल गए, अब किस किस की आज्ञा में जियो, और सारे साधु संत की आज्ञाएं भी कई बार उल्टी पुल्टी मिल गई, अलग अलग मिल गई। तो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये महाराज जी चतुर्मास करके जाते हैं, हम ये सीखते हैं, अगले महाराज जी आते हैं उनसे वो सीखते हैं, तो हम किसको ठीक माने, हमारे कन्फ्यूजन ही खत्म नहीं होते। क्यों नहीं खत्म होते, क्योंकि हमें सूत्रों के वास्तविक अर्थ समझे नहीं। सूत्रों के वास्तविक अर्थ समझो, यहाँ नहीं कहा किसी महाराज की आज्ञा में रहना, यहाँ कहा आनाए मामगम धम्मम, मामगम मामगम अपने आप की, लिव विद इन ऑर्डर, लिव ऑर्डर इन वन सेल्फ, अपने आप की आज्ञा में जीना वो धर्म है, यानी बोधपूर्वक जीना। और बोधपूर्वक जीने पे क्या होगा, जब अनुप्रेक्षा होगी तो बोधपूर्वक जीना होगा, जब बोधपूर्वक जीना होगा उसके बाद हमारा जो भी वाणी निकलेगी वो ऑटोमेटिकली धर्ममय होगी। तो इसलिए कहा धर्म कथा, स्वाध्याय का पांचवा भेद, स्वाध्याय का पांचवा भेद है धर्म कथा। कथा का मतलब खाली कहानी किससे सुनाना हो ऐसा नहीं है, क्योंकि कथा शब्द आने से लोगों को लगता है अच्छा कहानियाँ सुनना भी धर्म है, तो कहानियाँ सुनना धर्म हो ऐसा नहीं है। धर्म कथा का अर्थ प्रवचन देना, कहानियाँ सुनाना ऐसा भी नहीं है। धर्म कथा कब होती है, देखो पांचवा भेद है कि जब आपकी दृष्टि जागृत है वाचना, जब आपकी मति जागृत है प्रचना, जब आप प्राप्त ज्ञान को लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो परावर्तना, जब आपका निरीक्षण क्षमता सूक्ष्म हो गई है अनुपेहा, तब ऑटोमेटिकली आप धर्ममय होंगे क्योंकि जागृत हो। और जब जागृत व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी घटनाएं होगी, जो कुछ भी कथा वार्ता होगी, जो कुछ भी बोला जाएगा या जिया जाएगा या चला जाएगा, वो सब कुछ धर्म कथा हो जाएगा, अन्यथा सब लोग उपदेशक बन जाएंगे, क्योंकि वे धर्म कथा करना तो स्वाध्याय है, तो चलो फिर कथाएं पढ़ो, कथाएं सुनाओ, हो गया स्वाध्याय। नहीं नहीं, पहले के चारों भेद घटित हो तो जीवन में धर्म कथा होगी, उसके बाद में हमारे मुंह से निकली हुई वाणी भी आगम बन जाएगी। जब जागृत व्यक्ति के भीतर से ज्ञान प्रकटता है तो वह आगम कहलाता है, तो स्वाध्याय आगम तक ले जाएगा। आत्मज्ञान, आगम यानी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का प्रगटीकरण आगम कहलाता है। स्वाध्याय से आत्मज्ञान का प्रगटीकरण हो और आगम प्रकट हो, यही स्वाध्याय का अर्थ है। स्वाध्याय सूत्रों के माध्यम से चाहे करो, लेकिन सूत्रों को जीवन में जगाओ तो सूत्र आगम बनेंगे, अन्यथा सूत्र अलग है और आगम अलग है। जय हो।